लोग बाइक मॉडिफाई, बीबी मॉडिफाई कर दिया, क्या बात है बाप। अंदर के बाद की बोल रहे भाई, भाई क्या हुआ अंदर के बाद बोल रहे हैं। हमारा R3 जो है 80 भाई को दे दिया है, तो अच्छे से रखना ठीक है। वर्षा किरण, वर्षा भी किरण भी दोनों, अच्छा अच्छा। हेलो गाइस, वेलकम टू द मोटो ब्लॉग सेटअप। बहुत दिनों के बाद फाइनली आई एम बैक इन मोटो ब्लॉग, क्योंकि आपको पता है और हमको भी पता है कि बहुत दिनों के बाद ये जो ऑडियो का प्रॉब्लम है ना, इससे मिला है हमें बहुत बड़ा छुटकारा, क्योंकि हमने हाल ही में परचेस किया है मीडिया मोड। एंड आई होप आपको मीडिया मोड का जो ऑडियो क्वालिटी है बराबर आ रहा होगा, एकदम धांसू आ रहा होगा। अरे भैया जी क्या कर रहे हो, भैया जी साइड दे दो। अच्छा रॉयल एनफील्ड है तो तसन में हूँ। अच्छा तो हमारे पास भी यामा R3 है भैया, यार इससे कट मार्क निकल जाएंगे। देखो चला रहे स्पोर्ट्स बाइक, आप चला रहे हो क्रूजर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हर बाइक अपने हिसाब से फुल पोटेंशियल वाला बाइक है कि नहीं। क्रूजर बाइक है तो क्या हुआ भैया, वो भी अलग तसन है। स्पोर्ट्स बाइक का एक ही चक्कर है और एक ही तसन है, देखने में अच्छा होता है और इस एक्सीलेटर घुमाओ तो गाड़ी जो है उड़ने लगता है। और क्रूजर बाइक में जो है ना एकदम मैच्योरिटी वाला लुक है। क्रूजर बाइक लेके आप कुत्ते की तरह भगाओगे, कुत्ते की तरह नहीं मतलब तूफान की तरह भगाओगे, तो उसमें वो तसन नहीं है। क्रूजर बाइक लेके आप आराम से 60-65 या फिर 70 की स्पीड में चलाओगे ना, तो उसमें ज़्यादा मज़ा है, फील है फील। अगर आप वो बुलेट चलाते हो या फिर क्रूजर बाइक चलाते हो और आवाज़ निकलता है डुक डुक डुक, तो आपको पता होगा क्या फीलिंग है, वो डिफरेंट लेवल ऑफ फीलिंग। द सेम गोज विद स्पोर्ट्स बाइक्स ऑल्सो, वंस यू पुल द थ्रोटल यू फॉरगेट एवरीथिंग, योर सैडनेस, योर सोरो, योर अनहैप्पीनेस, योर डीमोटिवेशन गोज अवे, गोज डायरेक्टली इनटू द बास्केट, इनटू द डस्टबिन, एंड देन यू रियलाइज एंड देन यू फील सो मच पॉजिटिविटी इन योर माइंड। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, क्या आप जो स्पोर्ट्स बाइक चलाते हो ना उसमें अलग मज़ा है। क्या मज़ा है वो हाईवे में जाके बता रहे हैं आपको, अभी नहीं, अभी थोड़ा भीड़ भरकम वाला इलाका है, एकदम खाली खाली मिलेगा जब तब बोलते हैं। एनीवेज गाइस, बहुत दिनों के बाद मोटो ब्लॉग सेटअप के साथ में वीडियो का इंट्रो डालते हैं। वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गों बच्चों बड़े मिला समिति, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब, नहीं नहीं यूट्यूब नहीं, आजकल हर जगह वीडियो डालते हैं भाई, फेसबुक डालते हैं, यूट्यूब पे भी डालते हैं, इंस्टाग्राम पे भी रील वगैरह डालते हैं। फॉलो किया करो, फॉलो नहीं करते हो यार तुम लोग, फॉलो किया करो। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे, बाकी स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहा होगा, जाके फटाफट फॉलो कर रहो। मतलब इंस्टाग्राम पे भी अलग अलग तरह का कंटेंट आता है, नॉट लाइक दिस सेम थिंग बट अलग अलग कंटेंट आता है, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लो। और फेसबुक का जो पेज है उसको भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग का, हमारे प्यारे ताबड़तोड़ स्क्वाड का टीम वहाँ भी पहुँच चुका है, यानी कि लगभग 10,000 प्लस फॉलोअर हो चुका है फेसबुक में, तो उसको भी फटाफट यू नो 20 के करवा दो, सोने पे सुहागा लगा दो। अरे जाबर इंडियन की जाबर योग प्लीज, कैसे जाबर योग, अरे बहुत देरी हो गई से, अलग गैप पाइसो जाबर इवन की, थैंक यू। आगे में पुलिस वाले भैया गाली देते हुए, आप यहाँ से लेफ्ट हैंडली ले सकते हो, सीधा निकलो, हमें निकलने दो भैया। ए भाई उल्टा क्यों चल रहा है? अच्छा हम क्या बोले थे, हाईवे पहुंच के बताएंगे, या बता सकते हैं क्या, या हाँ बता सकते हैं शायद से, थोड़ा और चौड़ा वाला हाईवे मिलते हैं उसके बाद बता। और ये जो है ना, ये जो है मतलब जो हुईली हुईली है, पोपा उपा है, ये चीज़ ना स्पोर्ट्स बाइक में ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे तो क्रूजर बाइक में भी हो जाता है विदाउट एनी डाउट, बट इसमें ज़्यादा मज़ा है, स्पोर्ट्स बाइक में ज़्यादा फील देता है फील। तो अगर आप सोच रहे हो दोस्तों कि हम हाईवे पर क्या कर रहे हैं, तो हाईवे पर हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अभी यामा के शोरूम में, और वहाँ पर अभी एक खास मित्र आए हैं ऑल द वे फ्रॉम यू नो वेस्ट बंगाल साइड, सिक्किम साइड, जो कि हाल ही में गए थे तवांग, उनसे मिलना है और एक धांसू सा जबरदस्त बाइक दिखाना है आपको। क्या बाइक दिखाना है, हर दिलों का जान जवा दिलों का धड़कन R15, ये R15 तो है बट
थोड़ा अलग है। कैसे अलग है जाके पता करते हैं, लेट्स गो। भैया ट्रक से मुस्कुराते हुए हमें देख रहे थे, हमें भी अच्छा लगा। ही इज अप्रिशिएटिंग माई बाइक, डेट्स वाई आई सेड बाय बाय। अच्छा हम तो गलत रास्ते में आ गए भाई, यहाँ पे तो सर्विस सेंटर है। चलो कोई ना, सर्विस लेन से चले जाएंगे आगे। ये वाला चीज़ बहुत खतरनाक है गाइस, ब्रिज के नीचे में जितने भी गुवाहाटी में रोड बन रहा है ना, जैसे ये सर्विस रोड है और उस तरफ से गाड़ी निकलना है तो यहाँ से कट मार लो आप। लेकिन क्या करते हैं, ये देखो पुलिस वाले गाड़ी भी आ रहे हैं ना, जैसे रॉन्ग वे में ऐसे आते हैं और यहाँ पे खतरनाक वाला ट्रैफिक जाम लगता है। मतलब शाम के टाइम में यहाँ पे आओगे ना तो इधर सामने से भी गाड़ी, साइड से भी गाड़ी, और हम तो अपना लेन पे हम चल ही रहे तो पूरा कंप्लीट स्टक हो जाता है। इसलिए लास्ट 2-3 महीनों से अगर इधर आना होता है ना शाम के टाइम में स्पेशली ना, हालत ख़राब हो जाता है भाई। चलो जी पहुंच गए जी, अभी फटाफट मिलते हैं आपको फोन के कैमरे के सामने। मोटो ब्लॉक के सेटअप को फिलहाल कर देते हैं रद्द। क्या आज काफ़ी बुलेट दिख रहा है भाई, क्या बात है। आपको क्या बुलेट लेना पड़ेगा क्या? अभी सुनने में आया है बुलेट का मतलब रॉयल एनफील्ड का एक नया बाइक लॉन्च हुआ है, कुछ एक 650 सीरीज में, कुछ एकदम तसन वाला बाइक। ओ बे बेला मजा लग सी बे बया होता है। पहुंच चुके हैं यामा के शोरूम में, जैसे बोल रहा था यहाँ पे एक मित्र आके पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, तो उनसे मिलते हैं। और बहुत दिनों के बाद इस तरह से ब्लॉगिंग करके बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हम बहुत दिन से ना ब्लॉग्स वगैरह प्रॉपर जो हम पहले ब्लॉग्स करते थे ना उस तरह का ब्लॉग्स वगैरह बहुत दिन से नहीं कर रहे थे। आज बहुत दिन के बाद ब्लॉग करके काफी अच्छा लग रहा है। और चश्मा जो है उसको पहनना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिखाई दे गया होगा कि हम चश्मा लाए हैं। हम जो चश्मा लाते हैं तो बिना पहने तो ब्लॉग नहीं कर सकते। ये देखिए चश्मा पहन लिए एकदम फुल तसन के साथ। अभी जाएंगे यामा शोरूम के अंदर। और कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे एक यामा R3 यानी कि हाल ही में जो लॉन्च हुआ है ना वो वाला बाइक का यहाँ पे रिव्यू किया था, वीडियो किया था। अगर आपने देखा नहीं है तो चैनल में खोल के देख लीजिएगा, यामा R3 का प्रॉपर एकदम ब्लॉग शूट किया था यहाँ पर। और ये जान के भी अच्छा लगा कि कल या परसों इन लोगों का एक R3 जो है नॉर्थ ईस्ट का पहला यामा R3 2024 जो है सेल कर चुके हैं भाई लोग। तो अभी जाते हैं अंदर और दोस्त जो है दोस्त से मिलवाते हैं। लेट्स गो। एडी भाई कैसे? बढ़िया एकदम एकदम। आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सेम हियर ब्रो। और आपका प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। हाँ, तो आज कुछ होने वाला है, सुनने में आया है, क्या होने वाला है? मतलब मेरा बीवी का घूंघट उठाने वाला हूँ। अच्छा, बीवी का घूंघट उठाओगे? मतलब थोड़ा सा दूसरा ही कर दिया मैंने अपना, दूसरा मॉडिफाई हो गया बीवी, एकदम फुल मॉडिफिकेशन हो गया बीवी। अच्छा, लोग बाइक मॉडिफिकेशन, बीवी मॉडिफाई कर दिया, क्या बात है, तो वायरल आदमी है भाई। बीवी मॉडिफाई कर दिया, सिखाओ हमको भी, सिखाओ कैसे बीवी मॉडिफाई करता है। अच्छा भाई से मिले थे हम लोग कुछ बिहार में ड्यूरिंग ध्रुव भाई के वहाँ पे जो मीटअप वगैरह था तब गए थे। बाकी बहुत अच्छा लगा भाई। घूंघट मतलब कहाँ है बीबी, किधर है अभी? इसके अंदर है, अभी देखना है ना, टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा सा सबर करो, रुको जरा सबर करो। इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया ना मैं, अपना वो जो पॉपर वगैरह बोलते हैं सब लाना भी भूल गए हो। क्या होता है बीबी को देखने इतना जल्दबाजी हो जाता है ना, सब कुछ भूल जाता आदमी लोग, मतलब क्या बोल सकते हो। और ये भाई को बहुत अच्छा मतलब जोशीले वाले ब्लॉगर है, भाई को फॉलो वॉलो कर लेना। अपने चैनल का नाम बोल दो भाई। राइडर एडी यूट्यूब इंस्टा हर जगह में राइडर एडी में सर्च करो मिल जाएगा। और भाई अभी रिसेंटली जाके आए हैं तवांग में, और बर्फ कितना मिला भाई तवांग जाने से पहले मैंने इनसे सजेशन लिया था, इनसे और ध्रुव का सजेशन, रस्सी उसी बांध के गया था ना, देखा मैंने रील वगैरह, मतलब वो खाली कंटेंट के लिए बात आता। अच्छा ऐसे चल तो रहा था, ऐसे चल रहा था। अच्छा अच्छा वो तो चाहिए स्ट्रगल पेन दिस काइंड ऑफ थिंग। अरे हम लोग यूट्यूब वाले कैसे होते हैं ना गाइस, हम लोग ना बहुत दिमाग में खुराफती आइडिया चलते हैं। अंदर के बाद की बोल रहा है भाई, क्या हुआ अंदर के बाद बोल रहे हो? बोल देते तो आप लोग भी यूट्यूबर बनना चाहते हो तो सीखो इनसे, मतलब क्या करने से अच्छा होगा ना, मेरे से ज्यादा आपको इनसे सीखो। मेरे को तो खुद सीखने का है अभी। ये जो इंसान है ना इतना मतलब डाउन टू अर्थ हम्बल और इतना फनी कॉमेडी, मतलब क्या ही बताऊं भाई, मतलब आसाम में पूरा अभी मोदी बन जाऊंगा, 56 का सीना हो जाएगा जितना तारीफ कर रहे थे। तो घूंघट के आर पे दिलवर का दर्शन होने वाला है, अभी दीदार अधूरा होना नहीं चाहिए, दीदार पूरा होना चाहिए। ठीक है घूंघट उठाइए, अभी शर्माइए मत, उठा दीजिए, अभी सुहाग दिन चल रहा है, शर्माइए मत, सुहाग रात्रि है।
ओके सो गाइस, तो फाइनली देखिए ये वाला बाइक आपने देख लिया होगा सिनेमेटिक शॉट में, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर आप पूछे कौन सा मॉडल था, ये R15M, मतलब M वाला मॉडल, सिल्वर जो सिल्वर कलर में आता है ना वही है। इसके लिए यहाँ पे देखिए जो अंदर में है ना ये चीज़, ये अभी भी सिल्वर कलर में है। बाकी रेस्ट आपको बीरोल वगैरह देख के कैसा लग रहा है बाइक चारों तरफ से एक बार कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वाह ब्यूटीफुल। बाकी अभी इसमें चेंजेस कुछ करना है, जैसे कि ब्लू कलर एलोइज है, इसको अगर फुल्ली ब्लैक होगा या फिर कौन सा कलर होगा, अगर आप अगर बताओगे तो कौन सा कलर होने से सही है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे ख्याल से ब्लैक रहेगा तो सही रहेगा। एंड वहाँ पे जो सिल्वर पैनल निकल रहा है ना ये स्विंगम, तो वो भी शायद से ब्लैक होगा तो बढ़िया लगेगा। और इधर इंडिकेटर फिलहाल नहीं है भाई, शायद से इंडिकेटर वगैरह इंस्टॉल करवाएंगे बाद में। बहुत बढ़िया खूबसूरत R15, तो R15 है भाई एकदम किलर बाइक, किलर मशीन। इसका मतलब कुछ नाम क्या रखे बाइक का? जेरी। जेरी अगर कोई नेपाली सब्सक्राइबर होगा ना आपको, आपका, तो वो समझ जाएगा मैं एक बोलूंगा लाइन। ओके बोलो। मेरे बाइक को नाम हो जेरी, ले रहा इंचा केटी फेल फेरी। अच्छा इसका मतलब क्या है? मतलब है मेरा बाइक का नाम है जेरी। और बाकी का भाई लोग जिसको पता वो बोलेगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बता। तू हमको कैमरे के पीछे बता देना, कैमरे के आगे मत बताना। तो आप लोग के लिए ये चीज है, अगर आपको पता है भाई ने क्या बताया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? बाकी मैं अभी कैमरा ऑफ करके पूछूंगा भाई से इसका मतलब क्या है। तो अभी भाई को लूटने का प्रोग्राम चल रहा है इधर में। अरे भाई क्या खिला रहा है, बोल भाई इधर देख क्या खिला रहा है। ये देखो महाराजा थाली, ओनली 300 रुपीज। कोई बात नहीं है, इट इज नॉट अ बिग डील। ये ऑर्डर कर दूंगा लेकिन उसके बदले में पता है क्या? मैं सिराजदा से क्या लूंगा? क्या ले? पेट्रोल पंप पास में सिराजदा। अच्छा अच्छा। ये मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मैं कुछ भी खिला दे, चाय पिला दे भाई, चाय पिला दे भाई, चाय पिला दे। मेरे को खाना नहीं खाना है। सच सच बोल, उल्टा पड़ गया ना? उल्टा पड़ गया भाई, मेरे को चाय पिला दे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पेट्रोल जितना महंगा है भाई, जमीन मांग ले, जमीन दे दो, पेट्रोल ले दूंगा भाई। बाप रे, बेले रोटी बनाता जीभ पानी ले जाए भाई। बाप रे भाई, तुम मोबाइल ले लो, ऊपर तो बिजी था ना बटर। तो इधर में आ चुके हैं दाल, इधर में आ चुके हैं रोटी। महाराजा कैंसिल कर दिया, भाई का किडनी फेल हो गया। इधर में हमारे सब्सक्राइब मित्र, क्या नाम है बोल दो भाई? सानी सूत्रधर। सानी देवर नहीं, सानी सूत्रधर। सानी शत्रुघ्न सूत्रधर। सानी सूत्रधर, आपका बिग फैन हूँ। मेरा बिग फैन, अच्छा ठीक है, बढ़िया एकदम। सानी देवल और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों का मिक्सचर भाई, सब कुछ है इसके नाम में। तो हमारा R3 जो है 80 भाई को दे दिया है, तो अच्छे से रखना ठीक है। तुम्हारा बाइक मेरा, मेरा बाइक तुम्हारा, अच्छा ठीक है, चलो बाय बाय। मजाक कर रहा है गाइस। कुछ दिन पहले जो यहाँ पे वीडियो किया था ना, जो वो R3 है सेम जगह में, अभी हमारा R3 रख के यहाँ पे वीडियो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है गाइस, ये वाला जो पुराना मॉडल का R3 है ना, ये ज़्यादा बेहतर है या फिर अभी का जो R3 लॉन्च हुआ वो ज़्यादा बेहतर है? बाकी दोनों का लुक्स एक बार चेक कीजिए, R15 R3 एक साथ में। वाओ ब्यूटीफुल, यहाँ पे इंस्टा का रील शूट उट करते हैं कुछ बहुत। तो हमारे एडी भाई अभी निकल रहे हैं, ठीक है एडी भाई, मिलते हैं। और हाँ, बहुत बढ़िया लगा मिलके। बाकी बाइक बहुत बढ़िया लगा रहा है, अच्छा लगा ना? बहुत बढ़िया लगा। तो गाइस अभी देखिए तीनों बाइक एक साथ में रखे हैं। ये तो एडी भाई का बाइक है जेरी, उसके बाद इसमें मिस्टर परफेक्ट, और उधर में फैंटेसी। अच्छा ये इसका नाम भी है फैंटेसी, देखो ये भी है साथ में। और ये बाइक किसका है? इनका है ना, आपका है? अच्छा आपका नाम? वैशाखी। वर्षा किरण। वर्षा भी किरण भी दोनों? हाँ, अच्छा 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 ठीक ही है, बहुत बढ़िया। उधर में हमारे भाई, चलो क्या वाटी का हेलमेट कहाँ से मिला? ये कॉमरेड कॉमरेड पिट स्टॉप ना। हाँ। ये बहुत बढ़िया हेलमेट है, बाकी बहुत बढ़िया देखा, एकदम फर्स्ट क्लास लुक आ रहा है भाई कसम से। ड्रीम बाइक एकदम लाइनअप, ड्रीम बाइक का लाइनअप है देखो एकदम। दिस वन ऑल्सो लुक्स ब्यूटीफुल मैन, दिस वन यहाँ पे देखिए इसमें भी रैप करके रखा है। और यहाँ पे जो मैम है उनका नाम है वर्षा किरण, बहुत बढ़िया रैप है ये भी। बाकी मिस्टर परफेक्ट, उधर में जेरी, इधर में क्या था इसका नाम भूल जाता हूँ बार, अच्छा फैंटेसी। तीनों एक साथ अभी यहाँ से निकलते हैं, रफू चक्कर होते हैं, एक फ़ोटो खींच के। वाह 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 वाह, आपको तीनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला या फिर ये वाला? इसका साउंड सुना दो ना एक बार। हाँ वाह ब्यूटीफुल, थैंक यू गया, चलो बाय मोहन इमरान, बाय 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 बाय। ओके सो गाइस, अभी शोरूम से तो निकल चुके हैं हम लोग, और आपको कैसा लगा जो R15 है? बहुत बढ़िया से, यू नो, बहुत एकदम मक्खन मलाई करके भैया जो है खर्चा वर्चा करके बनाए हैं।
गाइस अभी आगे पहुंचा हूं मैं यामा रविंदर यामा के सर्विस सेंटर पर। यहां पे बाइक रख के जा रहे हैं, यानी कि मिस्टर परफेक्ट को रख के जा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक ना छोटा सा इश्यू आ गया है। अगर स्टार्ट करते हैं ना रनिंग में ठीक रहता है, अगर कभी भी गाड़ी रोक दिए हैं, चाबी निकालना भूल गए, किसी से बातचीत कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना हम लोग बाइक रोक के दोस्त मिल गया, हाँ भाई कैसा है क्या है, दो मिनट चार मिनट हो गया, नीचे चाबी लगा हुआ था, खाली मीटर ऑन था, हेडलाइट ऑन नहीं था, उसके बाद भी सेल्फ लेना बंद कर देता है, सेल्फ नहीं लेता है। पहले हम लोग सोच रहे थे बैटरी प्रॉब्लम है ना भाई, बैटरी को खोल के चार्ज में भी लगाए थे तो दो तीन दिन अच्छा चलता है, फिर से सेम प्रॉब्लम कंटिन्यू होता है। तो भाई की यहाँ पे बाइक रख के जा रहे हैं ताकि कंप्लीट जो उसको वायरिंग आने से उसको चेक करेंगे, अगर ठीक हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो क्या करना पड़ेगा, नहीं होगा तो बेच दो। नहीं बेचना नहीं है, होगा ना, अरे मैकेनिक ऐसा है भाई, तांगड़ा मैकेनिक है भाई, और रविंदर सर्विस सेंटर तो एकदम मशहूर है, पता ही है। अगर आपको भी सर्विस वगैरह करना है यहाँ पे आ जाइएगा, प्रमोशन कर रहे हैं हम, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। ऑटो व्लॉग किए थे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको और मोटो ब्लॉग कंटेंट देखना है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद फिर से मोटो ब्लॉग करना जो है चालू किए, मीडिया मूड जो है ले गया, इसके बारे में बोल रहे थे हम। ये देखिए मीडिया मूड जो कि अभी पड़ता है अराउंड 7700 का, ये हमने परचेस किया हाल ही में, तो ये वाला वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट में भरपूर इंस्पिरेशन चाहिए हमको, भरपूर, तभी जाके मोटो ब्लॉग कंटेंट भी मिलेगा, धमाकेदार इंस्पिरेशन चाहिए। बाकी भाई क्या वो कॉर्नर वॉर्नर मारते हो कि नहीं मारते हो अभी? आजकल हम भिखारी बन चुके हैं, तो अभी हमारा टायर भी टकलू मामा हो चुका है, तो अच्छा। हम लॉन्ग रोड छोड़ दिया है, बीच बीच में याद आता है तो कभी कभार एक चक्कर मार लेते हैं। वो तो है, देखो कॉर्नर मारना तो जरूरी है, बाइक है तो कॉर्नर मारना पड़ेगा, लेकिन एक चीज ना कॉमेडी लगती है इस बंदे को, जब भी हम देखते हैं ना एकदम हंसी आता है मुझ अंदर से, क्योंकि बताए आपको भी बता, चलो आप भी थोड़ा हंस लो कॉमेडी में, क्या हो गया? देखो भैया ने बहुत कष्ट करके मेहनत करके एक बाइक लिया है, होंडा का, होंडा का बाइक कितना में लिया था? तो 3,10,000 रुपए में होंडा का बाइक लिया, हाँ सर जी 3,10,000 में होंडा का बाइक लिया, और अभी वो बाइक का 1,00,000 रुपए दाम होंडा ने कम कर दिया, 2,50,000 कर दिया अभी, 2,80,000 ऑन रोड, लेकिन तुम तो 3,30,000 में लिया ना, 3,06,000 3,06,000 बोल क्यों रहा है तुम, तुम्हारा तो लोन है, ईएमआई है, वो तो अलग से, वो तो अलग बात, टोटल बोलो 3,70,000 जाएगा, 3,70,000 में लिया वही सेम बाइक, 2,80,000 तो महंगा आदमी है नहीं, तो गरीब आदमी तो नहीं लेना, अरे मेरा रिच तो हमें, मेरा आरती तो सस्ता वाला था, 3,48,000 का था, अभी का आरती कितना है, अभी का आरती कितना है, 5,23,000 अभी सुनने में एक अभी हाल ही में सेल भी हुआ है, जो कि बोला मैंने थोड़ी देर पहले, बहुत बिग कॉन्ग्रेचुलेशन जो भाई लिए है डिब्रूगढ़ साइड से, आराम से राइड कीजिए। बाकी आपको कैसा लगता है अभी का जो आर्थिक, भाई का तो उसका तो कट चुका है भाई, आर्थिक लिए थे 3,50,000 रुपए में, तो मेरा बहुत फायदे में, हम भाई एकदम कंप्लीट फायदे में, बाकी भाई बोलने गया, इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, चलो हो गया, चलो भाई मिलते हैं भाई, बाय 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 बाय।